शिवम पंचोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने आया हूं, जहां पे मैं दोबारा से आप सभी के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी कवर कर रहा हूं दोस्तों, जहां पे रूम्स, कोई भी रूम बिना व्यू के साथ नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, एक कोजी प्रॉपर्टी है, मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं कहूँगा मैं, छोटी प्रॉपर्टी है, लिमिटेड रूम्स है, पर हर एक रूम में आपको व्यू ज़रूर मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं हूँ इस टाइम होटल रेवरीज में। यहाँ दोस्तों, ये जो होटल है आपको तपोवन साइड मिल जाएगा, आपको बिल्कुल मेन रोड पे ही है तपोवन में। तो जैसे ही आप तपोवन मोड़ क्रॉस करेंगे तो तपोवन मोड़ पे ही आपको बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा होटल रेवरीज का। होटल रेवरीज की खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक तो लिमिटेड रूम्स है, लिमिटेड रूम के साथ ये है दोस्तों कि सारे रूम से आपको व्यू दिखता है। कुछ रूम्स तो ऐसे भी है जहाँ पे आपको बोथ साइड से व्यू दिखता है, दोनों तरफ से व्यू दिखता है। जैसे कि आप अभी देख ही रहे होंगे, मेरे पीछे आपको गंगा व्यू दिख रहा होगा इस टाइम पे। तो यहाँ पे हर एक रूम, हर एक पॉइंट, चाहे आप कैफेटेरिया में बैठ जाओ, चाहे रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, चाहे आप नॉर्मली इसके आउटसाइड एरिया में बैठ जाओ जहाँ पे आप लंच डिनर कर सकते हैं, हर जगह आपको व्यू जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको वर्चुअल टूर ऑफ होटल रेवरीज, जहाँ पे हम करने वाले हैं आपके लिए यहाँ के रूम्स कवर। आपको एक वर्चुअल टूर देंगे उनके रूम्स का, इसका रेस्टोरेंट दिखाएंगे, साथ ही दिखाएंगे यहाँ का सिटिंग एरिया जहाँ से आप व्यू के मजे ले सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइम में हम होटल रेवरीज के डीलक्स रूम में। तो देखो, अगर मैं बात करूं एमिनिटीज़ की, तो बेसिक एमिनिटीज़ सारी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अगेन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस रेवरीज़ का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है यहां का व्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से आपको यहां पे गंगा व्यू मिल जाएगा देखने को। और वहां पे आप देख सकते हैं सामने, मैं आपको दिखाऊंगा एक सिनेमेटिक शॉट में, आप देख रहे होंगे जैसे कि आपको रामझूला देखने को मिल जाएगा। तो व्यू के अलावा अगर मैं आपको थोड़ी बहुत एमिनिटीज की बात बताऊं, तो यहां पे आपको बेसिक एमिनिटीज के रूप में 8 इंच का मैट्रेस मिल जाएगा। आपको जो दूसरे रूम कैटेगरी है उसमें 10 इंच का मैट्रेस भी मिल सकता है, तो डिपेंड करता है 8 to 10 इंच आपको यहां पे मैट्रेस के रूप में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको सिटिंग एरिया मिलेगा, सिटिंग एरिया के साथ साथ आपको यहां पे एसी भी मिल जाएगा, और आपके पास व्यू तो यहां पे है ही। साथ ही दोस्तों, आपको यहां पे बालकनी एरिया भी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से आपको बालकनी एरिया है जहां पे आप आराम से जा सकते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे बालकनी एरिया को भी यूज़ कर सकते हैं। बालकनी एरिया में भी आपको सिटिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से बैठ के इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से होटल रेवरीज का ये है डिलक्स रूम। ले चलते हैं अब आपको इसके दूसरे डिजाइन पे, या आपको एक तरीके से बोल सकते हैं, कैटेगरी तो नहीं बोलूंगा, उसकी एमिनिटीज और उसकी डिजाइनिंग थोड़ी दूसरे तरीके की होगी। तो चलिए उस रूम को आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जो दूसरा रूम है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रूम की जैसे ही यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी नहीं है, बस थोड़ी बहुत एमिनिटीज़ में चेंज है। जो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर बेडिंग मिल जाएगी, जिसमें अगेन डबल साइडेड व्यू तो है, बट यहाँ पे क्या किया गया है, बेड को दूसरी तरफ आपके शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको बैक साइड में वो व्यू मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिवर व्यू मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं आउटसाइड भी आपको सिटिंग चेयर मिल जाएगी जहाँ पे आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं और रिवर व्यू का मजा ले सकते हैं। एक्स्ट्रा एमिनिटीज जो आपको दूसरे रूम में भी मिल जाएगी और यहाँ पे भी है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक केटल आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे आपको टीवी मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, दैट मीन बेसिक एमिनिटीज आपको सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बस ये है कि ये रूम थोड़ा सा अपग्रेडेड है, थोड़ा और अच्छा है, मतलब आपका एक तरीके से कह सकते हैं बुटीक रूम है, ठीक है ना, काफी सुंदर सा कोजी सा रूम है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे हर एक रूम के अंदर आपको व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई चांसेस नहीं है कि ऐसा कोई भी रूम हो जिसमें व्यू ना हो। तो इसीलिए लिमिटेड रूम्स है दोस्तों, और लिमिटेड रूम्स में आपको व्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो व्यू जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको इतना सुंदर सा मैसिव गंगा व्यू मिलेगा, इतना प्यारा सा माउंटेन व्यू है दोस्तों। और साथ ही साथ नीचे की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप अपना डिनर वगैरह कर सकते हैं आराम से। दोस्तों अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको वॉशरूम में सारी बेसिक एमिनिटी
वैरायटीज देखने को मिल जाएगी, लाइक और आपका शार मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा आपको, यहाँ तक कि आपको बाथिंग कैप भी मिल जाएगी, आपको शार कैप जिसे कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है बेसिक एमिनिटीज सारी की सारी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है बाथरूम के अंदर, सो दैट आपके पास नहाने के लिए अलग हो और आपका वॉशरूम यूज करने के लिए चीज़ें अलग हो। तो पार्टीशन भी यहाँ पे किया गया है, जो कि एक बहुत ही बेसिक नीड है आजकल के टाइम पे एक अच्छे होटल में। तो इस तरीके से होटल रेवरीज आपको हर एक बेसिक एमिनिटीज, हर एक बेसिक चीजें प्रोवाइड कर रहा है इतने सुंदर व्यू के साथ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और कवर करते हैं यहाँ का लॉन एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ का सिटिंग एरिया, जहां से आप अपना लंच कर सकते हो, अपना डिनर कर सकते हो और गंगा जी के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब आपके लिए यहाँ का सिटिंग एरिया कवर करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपके होटल रेवरीज का सिटिंग एरिया। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कैफ़े भी मिल जाएगा नीचे ही, अभी मैं आपको कैफ़े की तरफ भी ले जाऊँगा, पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे सिटिंग एरिया का। तो आप लोग यहाँ पे आके आराम से लंच का मज़ा ले सकते हैं, अपने डिनर का मज़ा ले सकते हैं, रात को तो बहुत ही सुंदर व्यू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं आपको ये गंगा रिवर दिखा रहा हूँ, जिसका व्यू बहुत मैसिव आ रहा है, पर जैसे ही आप राइट साइड पर देखेंगे तो राइट साइड पर आपको जो है राम झूला का व्यू मिलेगा, बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है जहाँ पर आपको व्यू की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं अब आपको रेस्टोरेंट में आके, और आपको यहाँ का रेस्टोरेंट दिखाते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं, किस तरीके से आप रेस्टोरेंट में व्यू के साथ खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है होटल रेवरीज का रेस्टोरेंट एरिया, बहुत ही सुंदर बहुत ही कोजी सा रेस्टोरेंट है दोस्तों। इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, पहली बात तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स का और यहाँ पे वॉल का कलर कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट और भी सुंदर लगता है। पर दोस्तों जो यहाँ के मेन अट्रैक्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है इसका व्यू। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों जब आप यहाँ पे खाना खा रहे होंगे और खाने को एंजॉय कर रहे होंगे, तो खाने को एंजॉय करने के साथ साथ अगर आपको ऐसा व्यू देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो क्या ही बात होगी। तो ये है होटल रेवरीज का रेस्टोरेंट एरिया। पर साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ के आउटर सिटिंग एरिया को भी एंजॉय कर सकते हैं, और आउटर सिटिंग एरिया में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें आप आराम से बाहर बैठ के खा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक अलग सा व्यू भी देखने को मिल जाएगा। पर मेरी माने तो आप बाहर बैठ के खाना एंजॉय करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा गंगा जी का, बहुत ही सुंदर व्यू होगा, जिसके साथ साथ दोस्तों जब आप खाने को एंजॉय करेंगे इतने पीस में तो आपको एक अलग ही फील और अलग ही मज़ा आने वाला है। होप सो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को जिस तरीके से हमने आप सभी के लिए ये होटल रेवरीज का वर्चुअल टूर क्रिएट किया है, अगर आपको ये सब देख के अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उसके बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब कभी भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो क्रिएट करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।